हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल रविंद्र आर्य में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माउथ अल्सर के बारे में। तो आपने देख ही लिया होगा कि मुँह के छाले ज़्यादातर एक या दो हफ्ते में किसी किसी को होते ही रहते हैं। तो उसके लिए कुछ लोग मार्केटिंग मेडिसिन का यूज करते हैं, जैसे ओरासोल वगैरह है, और एक बीको कैप्सूल वगैरह आते हैं छालों के लिए। तो जैसे शीशौरा है, तो इसको लगाने के बाद मुँह में बहुत ज़्यादा लार बनती है और एक मुँह से गंदी प्रकार की बदबू आती है, चिपचिपा सा मुँह में महसूस होता है। उसी प्रकार से एक कैप्सूल भी मुँह में सड़न सी बदबू महसूस कराते हैं। तो मैं आज इसके बारे में घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दिया है, जो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। यानी कि होने का 3 कारण हो सकते हैं। नंबर पहला, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने के कारण। नंबर दूसरा, समय पर फ्रेश न जाने के कारण। नंबर तीसरा, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल कारण हो सकता है। वो कैसे, जैसे मंजन या ब्रश करते समय रगड़ने या कटने से। नंबर दो, उसमें बोले तो किसी फ्रेंड वगैरह ने अचानक मुँह में धक्का लगने से, दांत द्वारा कट जाने से। और तीसरा, खाना या रोटी चबाते समय किसी किसी के दांत से होंठों में कट लग जाता है। तो वह 2-4 दिन में एक बड़े छाले का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से ये छाले 3 से 4 दिन में नॉर्मल से तैयार हो जाते हैं। तो इनको घरेलू मिटाने के उपाय मैंने बता दिया है वीडियो में। तो आप वीडियो आप देख सकते हैं, और ये आपको सबसे पहले आपको इसमें थोड़ी सी हल्दी लेनी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रकार से। हल्दी क्यों लेनी, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, जो घाव भरने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसमें देसी घी की, गाय का देसी घी की 2-4 बूंदें ऐड कर लेना है। ये क्यों, क्योंकि इसमें बसा होता है, और बसा इस छाले वाले भाग में अच्छी तरह से भर जाता है, जिससे वह अपनी परत या लेयर बना लेता है, जिससे वह घाव आसानी से जल्दी भर जाता है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से एक पेस्ट बन जाता है। इसको अच्छी तरह से महीन कर लें, और पेस्ट उतना ही बनाएं जितना कि आपको ज़रूरत है, एक्स्ट्रा पेस्ट ना बनाएं। जितना आपको 1-2 छाले होते हैं, मैं माउथ अल्सर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको मुँह के छाले के लिए इतना ही पेस्ट बनाना है। और इसको आप इस प्रकार से लेकर, और अपने इस प्रकार से आप अपने मुँह पर जहाँ छाला है वहाँ इसको लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं इसे आसानी से इस प्रकार का एक पेस्ट बन जाएगा।
ये पेस्ट तैयार करने के बाद आप इसे लगा लें और 3 से 5 दिन के अंदर आपके छाले आसानी से ख़त्म हो सकते हैं। धन्यवाद। दिन में लगभग 3 से 4 बार यूज करना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी हल्दी लेना है और थोड़ा सा गाय का घी उसमें ऐड करना है। गाय का घी नहीं के नहीं है तो नैनू जो मक्खन के बाद निकलता है, और कुछ भी बस ये एसिड उसमें आप ऐड कर सकते हो हल्दी के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि सभी कार्यक्रम नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।